हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि आइगन वैल्यूज क्या होती है और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, और आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और क्वेश्चन है हमारा फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स जो भी आज मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, सबसे इजी वे बताऊंगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए, आइगन वैल्यू निकालने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है और आइगन वेक्टर में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आती है, तो सबसे इजी वे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालेंगे आप, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले। देखो, आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए की क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर मैट्रिक्स ए तो क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी, लैम्बडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा की ही वैल्यू निकालनी है। तो लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो लैम्बडा की वैल्यू ही क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। तो लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर की है गिवन मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स ए। तो यहाँ मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की। तो हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की लेंगे। तो डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई बराबर जीरो, इसकी वैल्यू निकालते हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट लगाएंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे करना होगा। ये तो लगा दिया मैंने डिटरमिनेंट का डंडा। अब बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ए की, तो मैट्रिक्स ए अंदर लिख लीजिए। और मैट्रिक्स को किसमें क्लोज किया जाता है, दो ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ मैट्रिक्स क्या है हमारी, 3 -1 1 -1 5 एंड -1 1 -1 3। ये कर दिया बंद, माइनस आगे है लैम्बडा, लैम्बडा को एज इट इज लिख दिया, आगे है आई, आई की वैल्यू लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मैंने थर्ड ऑर्डर के लिए है, यहाँ लैम्बडा बाहर है, बाहर रख दिया। ये डिटरमिनेंट का डंडा बंद कर दिया मैंने, यहाँ डिटरमिनेंट का ये वाला एक डंडा है, एक ये वाला डंडा, दोनों बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अंदर मैंने मैट्रिक्स लिख ली, ए की जगह ए, लैम्बडा की जगह लैम्बडा, स्केलर क्वांटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। तो ये डिटरमिनेंट का डंडा लगा दिया। अब देखिए, लैम्बडा को अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्बडा आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और जहां जहां पे 1 है वहां क्या आ जाएगा, लैम्बडा। यानी कि अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा से तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा। तो 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3, ये मैट्रिक्स कर दी बंद, माइनस स्केलर क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 एंड 0 0 लैम्बडा, ये मैट्रिक्स कर दी मैंने बंद, ये डिटरमिनेंट बंद बराबर 0। अब यहां पे इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दो, कर देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा अपना। देखो देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें से ये वाली मैट्रिक्स माइनस करनी है। माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करता है,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ए वन वन एलिमेंट एलिमेंट में से इसका ए वन वन एलिमेंट हम माइनस कर देंगे, यानी कि थ्री माइनस लैमड़ा आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ माइनस वन में से जीरो गया तो माइनस वन ही बचेगा, वन में से जीरो गया तो वन ही बचेगा, माइनस वन में से जीरो गया माइनस वन बचेगा, फाइव में से लैमड़ा गया तो फाइव माइनस लैमड़ा, माइनस वन में से जीरो गया तो माइनस वन, वन में से जीरो गया तो वन, माइनस वन में से जीरो गया तो माइनस वन, थ्री में से लैमड़ा को कर दिया माइनस, ये लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे एक मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल गई है मेरे पास, और उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, थ्री माइनस लैमड़ा को पहले रखूंगा, ठीक है। थ्री माइनस डिटरमिनेंट आपको लेना आता ही है, थ्री माइनस लैमड़ा को रखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, इसके करस्पॉन्डिंग वाली रो छोड़ दी और करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया। फाइव माइनस लैमड़ा को पहले थ्री माइनस लैमड़ा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने फाइव माइनस लैमड़ा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया थ्री माइनस लैमड़ा से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस लगा करके, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट ये वाला माइनस तो आएगा ही, तो यहाँ आ जाएगा वन। फिर अगला एलिमेंट माइनस में लेते हैं, और ये माइनस पहले ही है तो प्लस का वन हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री माइनस लैमड़ा से, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लगाऊंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का वन आएगा और माइनस तो लगता ही है पहले से। फिर हम बात करेंगे अगले की, यहाँ पे मैं वन लगाऊंगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। फिर अगला माइनस में आता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू फाइव माइनस लैमड़ा, ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू, और बराबर में लगा हुआ है जीरो, तो जीरो लगा दिए। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लैमड़ा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी क्यूबिक इक्वेशन। कैसे मिलेगी क्यूबिक इक्वेशन भाई, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो लैमड़ा की एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ आएगा 3 माइनस लैमड़ा, अंदर है 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस यहाँ आ जाएगा 5 लैमड़ा, माइनस यहाँ आ जाएगा 3 लैमड़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैमड़ा स्क्वायर, फिर आगे माइनस भी है, माइनस भी लिखना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस 1, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा लैमड़ा प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज। यहाँ अपन बात कर लेते हैं, वन प्लस का ही रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट यहाँ मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को 3 से किया तो 15 थी 45, माइनस 3 पंजे 15 लैम्बडा, माइनस 3 किया 9 लैम्बडा, ठीक है, प्लस का 3 लैम्बडा स्क्वायर, माइनस का 3, फिर लैमड़ा को करेंगे तो माइनस का 15 लैमड़ा, माइनस माइनस प्लस का 5 लैमड़ा स्क्वायर, फिर इसको आगे करेंगे तो प्लस का 3 लैमड़ा स्क्वायर, फिर इसको आगे करेंगे तो माइनस लैमड़ा क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का लैमड़ा, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का लैमड़ा, माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस लैमड़ा इज इक्वल टू 0। तो ये लैमड़ा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो माइनस लैमड़ा क्यूब पहले लिख लेता हूँ। अब बात करते हैं लैमड़ा स्क्वायर वाले टर्म्स की, तो 3 लैमड़ा स्क्वायर और 5 लैमड़ा स्क्वायर, और यहाँ ये 3 लैमड़ा स्क्वायर है और कहीं पे लैमड़ा स्क्वायर नहीं है, तो 3 और 3 हो गया 6, 6 और 5 11 लैमड़ा स्क्वायर प्लस का, तो प्लस का 11 लैमड़ा स्क्वायर। अब लैमड़ा वाले टर्म्स की बात कर लेते हैं, माइनस का 15 और यहाँ माइनस का 9 लैमड़ा, और लैमड़ा कहाँ आ रहा है, ये रहा माइनस का 15 लैमड़ा, ठीक है, और लैमड़ा कहाँ पर आ रहा है, ये रहा एक ही रहा, तो 2 लैमड़ा प्लस के, तो प्लस के 2 लैमड़ा ये है,
और प्लस का एक ये और लैम्बडा है, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, प्लस का 3 लैम्बडा, और कहीं लैम्बडा नहीं है तो माइनस का 15 लैम्बडा, माइनस का 15 लैम्बडा, ठीक है, माइनस का 9 लैम्बडा हो गया, और लैम्बडा 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 3 लैम्बडा ये हो गए, तो ये हो गया अपना टोटल 15 एकम 15, 15 दूना 30, और 30 और 9 हो गए अपने 39, 39 में से 3 गए तो अपने बचेंगे माइनस के 36, तो -36 लैम्बडा। बाकी बची कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है 45, और कांस्टेंट टर्म है हमारी -3, ये 45 प्लस का है, माइनस का 3, फोर्टी फाइव हो गया, माइनस का 3 हो गया, और माइनस का ये वाला 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और माइनस का 5, तो सारे आ गए यहाँ पे, प्लस वन 2 हो गया, माइनस 5, तो 45 -3 -3 2 एंड -5, इसको सॉल्व करेंगे भाई। 45 में से 5 गए तो कितने बच गए, 40, 40 और 2 कितना हो गया, 42, 42 में से 6 गए तो कितना बचेगा, ये 42 में से गए तो 36 सही आ जाएगा, प्लस का 36 = 0 सही आ गई हमारी एक इक्वेशन लैम्बडा में। ये लैम्बडा में एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे, यहाँ ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है यानी कि लैम्बडा क्यूब, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लैम्बडा क्यूब -11 लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ ये +36 लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ ये -36 = 0 हो जाएगा। जब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, और वो 3 वैल्यूज क्या होंगी, 2, 3 एंड 6। ये तीनों वैल्यूज जो है लैम्बडा की, ये क्या कहलाती है, आइगन वैल्यूज। तो ये जो 3 वैल्यू आई है निकल करके, ये 3 वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी आइगन वैल्यू। तो ये लैम्बडा की वैल्यूज आ गई यानी कि आइगन वैल्यूज आ गई। ये आइगन वैल्यूज कैसे आएंगी, जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो ऊपर आई थी उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की हमें वैल्यूज मिलेंगी, और वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, जैसे हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये लैम्बडा की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये लैम्बडा की वैल्यूज ही क्या कहलाती है, हमें हमारी आइगन वैल्यूज कहलाती है। अब हम बात करते हैं आइगन वेक्टर की, तो आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर देखिए कैसे निकालता है। मान लिया मैंने लेट x1 be n, x1 = मैं आपको बता देता हूं क्या मान रहा हूं, लेट x1 = स्मॉल x1 y1 z1, ये कैपिटल x1 है, अंदर ये जो लिया है मैंने x1 y1 z1, ये मैट्रिक्स बनाई है एक मैंने कॉलम मैट्रिक्स, और इसमें कितने एलिमेंट रखे हैं, 3 x1 y1 z1, तो मैंने पहला आइगन वेक्टर क्या मान लिया, x1 = x1 y1 z1 bn आइगन वेक्टर वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू λ = λ1 = 2। तो मैंने मान लिया ये जो पहली आइगन वैल्यू है, इस पहली आइगन वैल्यू को मैंने नाम क्या दे दिया, λ1, ठीक है, इस λ1 पहली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैंने पहला आइगन वेक्टर क्या मान लिया, x1, देन देन we have, देखो हमने क्या किया कि λ1 यानी कि 2 के करस्पॉन्डिंग, पहली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वेक्टर क्या मान लिया, x1, देन वी हैव
तो हम जानते हैं कि ये आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू एक इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करती है। और वो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व सॉरी सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या करेंगे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स 1। हम क्या कर देंगे कि यहाँ लैम्डा की जगह लैम्डा 1 रख देंगे और एक्स की जगह एक्स 1 रख देंगे। देन वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इंटू एक्स 1 बराबर 0। यहाँ एक मैं आपको बात बता दूँ, ये बराबर में 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्यों है ये 0 मैट्रिक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखी है मैंने वैल्यू, ये एक मैट्रिक्स की वैल्यू है। देख लीजिए आप, यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई था, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आपके सामने ये है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई निकाला है, तो मुझे क्या है, डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, अब केवल क्या चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना। तो ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ ये जो मैट्रिक्स में लिख रखी है ये है, मैंने आपको पहले ही बताया ये मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स है। बाहर एक्स जो लिखे ये भी मैट्रिक्स है, हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे यहाँ, और आपको डिटर्मिनेंट का कहीं साइन दिखाई भी नहीं दे रहा। डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, मोड के अंदर जो वैल्यू आती है, यानी कि दो डंडों के बीच में जो वैल्यू आ रही है अगर मैट्रिक्स की, हम उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई, और ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसकी है, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू। तो यहाँ मैं सीधी सीधी वैल्यू उठा करके ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू तो ये रख दूंगा, बट ये वैल्यू रखने से पहले मैं क्या रखूंगा, लैम्डा की जगह लैम्डा 1, कहने का मतलब 2। तो यहाँ पर जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 माइनस 2 का मतलब आ जाएगा 1, यहाँ माइनस 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 की जगह 1 रहेगा। मैं 1 को कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ, आप तो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ माइनस 1 रहेगा, यहाँ लैम्डा की जगह मैंने क्या डाल दी वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 का मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 एज इट इज, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब बाहर ये तो लिख दी मैंने a माइनस लैम्डा 1 i की वैल्यू, बाहर है x1, x1 मैंने मान लिया x1 y1 z1 बराबर में ये जो 0 है, मैंने बोला था 0 मैट्रिक्स है, तो 0 0 0। अब मेरे पास ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन बना लेंगे। वो तीन इक्वेशन कैसे बनेंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और वो दो मैट्रिक्स कौन सी है, पहली मैट्रिक्स तो ये लिखी हुई है यहाँ पर ये वाली, और दूसरी मैट्रिक्स है ये वाली x1 y1 z1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहली रो है 1 माइनस 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x1 y1 z1 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1x1 माइनस 1y1 यानी कि y1 प्लस z1, तो प्लस z1 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस x1 प्लस 3y1 माइनस z1, तो माइनस x1 प्लस 3y1 माइनस z1 बराबर 0, करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट। देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनी, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड इक्वेशन बनेगी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, तो थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग जो थर्ड एलिमेंट है 0 ही है, तो 0। अब देखिए सबसे इजी तरीका है आइगन वेक्टर निकालने का, देखिए यहां पर हम लिख देंगे x1 बटा, बटा में अभी क्या आएगा बताऊंगा, यहां लिख देंगे y1 बटा बराबर z1 बटा। देखिए अब x1 लिख दिया, तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें ये रो छोड़नी और ये कॉलम छोड़ना है, x1 के करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, बचे ये और ये वाला एलिमेंट। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि कॉफिशियंट को, तो 3 और यहाँ कॉफिशियंट क्या है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा,
फिर उसके बाद माइनस लगा करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 × -1 क्या होगा, +1, तो यहाँ +1 लगा दिया। ठीक है, अब मैं y1 के करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दूंगा और कॉलम छोड़ दूंगा, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, y1 के करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया। अब देखिए y1 में क्या होगा, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे, अगर -y1 ले रहे हो तो यहां से यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो आप लोग मेरे हिसाब से माइनस ही लेते हो, तो यहाँ माइनस लेकर के पहले मैं यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर इसको इससे करूंगा तो +1 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये -1 आएगा और माइनस पहले लगता है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर z1 प्लस का लेते हैं, तो रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, फिर आगे माइनस लगता है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 बराबर में, मान लिया मैंने k1, ये मानना ही पड़ेगा, पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए मुझे बराबर में एक वैल्यू माननी पड़ेगी k1। तो यहां से मैं देखू इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 − 1 यानी कि 2, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2k1। अब y1 की वैल्यू निकालता हूं, 1 − 1 0, यहां इसको लेके जाऊंगा तो 0k1 यानी कि 0। z1 की वैल्यू निकालूंगा -2, वहां मल्टीप्लाई कर दिया तो -2k1। सो दैट हमारा जो फर्स्ट आइगन वेक्टर होगा x1 वो आ जाएगा x1 y1 z1 की वैल्यू रखते ही, यानी कि x1 की वैल्यू है हमारी 2k1, y1 की वैल्यू 0, z1 की वैल्यू 2k1 माइनस का। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 2k1 बाहर निकाल देता हूं, या ऐसा करो k1 ही बाहर निकाल दो, आपकी मर्जी है, 2k1 निकाल दो, आपकी मर्जी है k1 निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा 2 0 and -2। अब कई बुक्स में तो ऐसे आंसर लिखा हुआ होता है कि भाई आइगन वेक्टर ये आ गया, कई बुक्स में होता है कि k1 की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, मान लो मैंने k1 की वैल्यू क्या रख दी, 1, k1 की वैल्यू 1 रख दी तो ये उत्तर आ जाएगा, तो पहला आइगन वेक्टर क्या आ गया हमारा 2 0 − 2, पहला आइगन वेक्टर क्या आ गया 2 0 − 2, और k1 की फिक्स आप वैल्यू रख दो, क्योंकि आगे डायगोनलाइजेशन में इजी रहेगा, आगे टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो डायगोनलाइजेशन के लिए हमें k1 की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, फिक्स रखनी पड़ती है, और वो क्या होती है, या फिर 1 होती है या फिर -1 होती है, हद मार करके वो कैसे होती है वो आगे बता दूंगा मैं। मान लो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू माइनस की आती तो जाहिर सी बात है हम k1 की वैल्यू क्या लेते, -1 लेते, तो दोनों पॉजिटिव हो जाते, बट यहाँ एक पॉजिटिव है एक माइनस है, इसलिए हमने k1 की वैल्यू प्लस की ली है, बस सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम सेकेंड आइगन वेक्टर की, तो देखिए यहीं पे मैं थोड़ा मॉडिफाई करवा देता हूँ, मान लिया मैंने सेकेंड आइगन वेक्टर क्या है हमारा ये है, तो सेकेंड आइगन वेक्टर क्या है x2 = x2 y2 z2, बी एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू λ = λ2 और λ2 यानी कि सेकेंड आइगन वैल्यू है हमारी 3। देन वी हैव a − λ = x 0, 4λ = λ2 and x = x2, वी हैव a − λ2 × x2 = 0। अब λ2 की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 डालूंगा तो देखिए क्या होगा, 3 − 3 = यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम लगाओ, अब स्पीड से हो जाएगा, ये -1 as it is, ये 1 as it is, ये -1 as it is, यहाँ λ2 की वैल्यू 3 डाल दिया तो 5 − 3 = कितना आ जाएगा 2, और -1 as it is, 1 − 1 3 − 3 = 0, तो ये आ गया फाइनली। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वापस से तीन इक्वेशन बना लूंगा, कौन कौन सी बनेंगी, 0x1 − y1 + z1, तो -y1 0x1 भी लिख लो इजी रहेगा, 0x1 − y1 + z1 = 0, सेकेंड इक्वेशन बनेगी −x1 + 2y1 − z1 = 0, थर्ड इक्वेशन बनेगी x1 − y1 + 0z1 = 0। तो देखिए यहाँ चेंजेस क्या होंगे, यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ इनको हटा देता हूँ मैं, सेकेंड वैल्यू यहाँ बना लेंगे अपन, और ये सेकेंड आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो 2 2 लग जाएगा, यहाँ इसको भी साफ कर देता हूँ मैं,
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ लगा दिया एक्स टू वाई टू जेड टू इक्वल टू के टू मानना पड़ेगा, तो एक्स टू यहाँ पर 111 ही रख दिया क्या, यहाँ पे 111 नहीं आएगा, यहाँ एक्स टू कर लेना, एक्स टू वाई टू जेड टू, तो यहाँ एक्स टू वाई टू जेड टू रखना है सभी जगह पे। टू 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 ठीक है, तो एक्स टू के करस्पॉन्डिंग मैंने रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू इंटू जीरो बराबर टू, सॉरी जीरो आ गया, फिर आगे लगता है माइनस, और वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा, तो यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट लेंगे अपन माइनस में, माइनस का वाई टू, तो वाई टू के करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर माइनस इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का वन आएगा, और माइनस का वन इंटू माइनस वन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जेड टू के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स टू बराबर आ गया माइनस के टू, यहाँ से देख लीजिए कॉमा वाई टू बराबर आ जाएगा प्लस का वन, यानी कि वन वहां गया तो प्लस का के टू, और जेड टू बराबर आ जाएगा माइनस के टू, ये माइनस वन बचेगा यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के टू, तो सेकेंड आइगन वेक्टर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा माइनस के टू प्लस के टू, ये माइनस के टू है, ये प्लस के टू है, फिर वापस माइनस के टू, यहाँ पे मैं माइनस के टू बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा वन माइनस वन एंड वन। देखिए अब यहाँ कहने का मतलब वो ही है कि के टू की वैल्यू क्या ले लूंगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आइगन वेक्टर सेकंड जो आया वो क्या गया वन माइनस वन है वन। इसी प्रकार हम जो थर्ड आइगन वैल्यू है सिक्स, इसके करस्पॉन्डिंग भी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, और थर्ड आइगन वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, थर्ड आइगन वेक्टर जो आएगा वो आएगा हमारा थर्ड आइगन वेक्टर आएगा वन माइनस टू, वन माइनस टू एंड वन, थर्ड आइगन वेक्टर आएगा हमारा वन माइनस टू एंड वन, तो ये तीनों आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा बट ये वाला माइनस मिलकर के फाइनली माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस के टू ही आएगा, तो कुल मिलाकर के ये प्लस का ही होगा, तीनों वैल्यू प्लस की आ जाएंगी क्योंकि ये भी माइनस का ही के टू है, तो कुल मिला के दूसरा आइगन वेक्टर आएगा वन वन वन। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां होती है, आप अपने आप भी देख सकते हैं प्लस माइनस की। तो ये आज हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके आगे एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, वहां पे क्या होगा लैम्डा की दो वैल्यू सेम होगी, तो अगर लैम्डा की दो वैल्यू सेम होती है तो हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो आप अगले क्वेश्चन में देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।